Yes, you can see the screen. Yes, ma'am. Okay. क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, आपको दिया हुआ है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 50%, सेलिंग प्राइस है ₹200 पर यूनिट, दिस इज गिवन टू यू पर यूनिट, प्रोडक्शन दी हुई है 10,000 यूनिट्स की, उसके बाद 60% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है बाय 2% और सेलिंग प्राइस गिर जाता है बाय 2%, 80% पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है बाय 5% एंड सेलिंग प्राइस गिर जाता है 5%, मटेरियल ₹100, लेबर ₹30, फैक्ट्री ओवरहेड ₹30, ये आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है आपको, दिस इज गिवन टू यू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, 40% जिसमें से फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं ₹20 जिसमें से 50% फिक्स्ड है, ठीक है। आपको बजट बनाना है एट 60% एंड एट 80% कैपेसिटी, तो आई एम मेकिंग द कॉलम्स हियर पर्टिकुलर्स, सो यहां पर मैं ले रही हूं 50% कैपेसिटी जिसपे मेरे पास गिवन है 10,000 यूनिट, यहां मैं ले रही हूं 60% कैपेसिटी, तो 60% पे कितने यूनिट्स हो जाएंगे, अगर 50 पे 10,000 है तो 60 पे कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 12,000. ओके, और फिर से अगर 50 पे 10,000 है तो 80% पे कितने हो जाएंगे, 16,000, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ कॉलम बनाते हैं, ये है पर यूनिट कॉस्ट के लिए, ये टोटल, जैसे मैंने कल आपको समझाया था, पर यूनिट एंड टोटल, पर यूनिट एंड टोटल। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले 50% का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है, तो 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, मटेरियल से। मटेरियल हमें दिया हुआ है ₹100, लेबर हमें दी हुई है ₹30, तो मटेरियल और लेबर दोनों चीजें हो गई, हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 130। उसके बाद हमें दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स विच इज गिवन टू यू 30, और जिसमें से फिक्स्ड पार्ट है 30 का 40%, तो कितना हो गया, फिक्स्ड हो गया आपका 18 और वेरिएबल कितना हो गया 12, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी 12 ना, यस प्लीज मैम, फिक्स्ड 12 होगा ना, 40% फिक्स्ड है, यस बिल्कुल सही कह रहे हो आप, फिक्स्ड जो है वो हो जाएगा 12, थैंक यू, और वेरिएबल हो जाएगा 18। इसके बाद ये आ जाएगी आपकी वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो कि दिए हुए हैं ₹20, जिसका 50% फिक्स्ड है, तो 10 हो गया और वेरिएबल कितना है 10, ठीक है। पहले इसी का टोटल कंप्लीट कर लेते हैं, ₹100 पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल हमारा हो गया 10 लाख का, लेबर आपकी आ गई 3 लाख, प्राइम कॉस्ट हो गई आपकी 13 लाख की, फिक्स्ड आपको दिए हुए हैं ₹12 के हिसाब से, तो ये हो गए आपके 1,20,000 और वेरिएबल हो गए 1,80,000, नाउ दिस कम्स टू 16 लाख, देन फिक्स्ड 10 दिए हुए हैं, ये हो गया 1 लाख, अगेन वेरिएबल भी 1 लाख है, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 180 और इधर आ गया 18 लाख, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई थी 200, तो ये हो गया 20 लाख, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा हमारा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट आ गया ₹20 और इधर आ गया 2 लाख, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो मैम। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दे रखी है, ये कि एट 60% रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 2% एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 2%, एट 80% रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 5% एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%, तो पहले हम ये चीज लिखेंगे, रॉ मटेरियल
60% पे उसने कहा 2% से बढ़ जाता है, तो पहले कितना था 100 रुपीज पर यूनिट, अब ये 2% से बढ़ के कितना हो जाएगा 102, और 2% से हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो गिर जाती है 60% पे। तो सेलिंग प्राइस मेरी थी 200, इसको मैं 2% से गिरा देती हूं तो मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 196। ये बात समझ में आई? यस मैम। नाउ नेक्स्ट इज 80% पे रॉ मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ जाती है, तो 100 पहले थी मेरी, 5% बढ़ गई तो ये हो गई 105, एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%, तो सेलिंग प्राइस 200 से 5% कम हो गया तो मेरा आ गया 190। ठीक है, अब जो बाकी चीजें थी, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो पर यूनिट चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल, लेबर, जो वेरिएबल चीजें हैं, उनको पर यूनिट के कॉलम में लिख दीजिए और बाकी फिक्स्ड को टोटल के कॉलम में। तो पर यूनिट हो गया ये 30, ये भी 30, फिक्स्ड ये किस कॉलम में जाएगा, पहले 12 लिखा जाएगा या 1,20,000 लिखा जाएगा? 1,20,000। यस, वेरी गुड, 1,20,000 वी विल राइट इन द कॉलम ऑफ टोटल। यहां पर हम लिखेंगे 18, यहां लिखेंगे 18, अगेन फिक्स्ड है, फिक्स्ड को हम किस में लिख देंगे, टोटल के कॉलम में 1 लाख, और वेरिएबल को हम लिखेंगे इधर 10 10। अब इसके बाद आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, तो 12,000 इंटू 102, ये आ गया आपके पास 12,24,000, 16,000 इंटू 105, ये आ गया 16,80,000, लेबर आ गई आपके पास 30 रुपीज के अकॉर्डिंगली 3,60,000, और ये आ गई 4,80,000। इसको ऐड करेंगे आप, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके बाद आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है 18 के हिसाब से, ये जो फिक्स्ड था 1,20,000, इसको 12,000 से डिवाइड करोगे आप तो ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ आ जाएगी 10, इसको 16 से डिवाइड करोगे आप 1,20,000 को तो ये आ जाएगा 7.5। नाउ 18 इंटू 1,20,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम 2,16,000, ये आ जाएगा 2,88,000। इस 1 लाख को 12,000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8.33, इस 1 लाख को 16,000 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 6.25, ये आपका 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1,20,000, और ये आ जाएगा 1,60,000। नाउ यू विल ऐड इट, ये आपकी आ गई कॉस्ट 21,40,000, और ये आपकी कॉस्ट आ गई 28,28,000। सेलिंग प्राइस 196 के हिसाब से जब मल्टीप्लाई किया, दिस कम्स 2,352,000, और ये आपके पास आ गया सेलिंग 30,40,000। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 2,12,000, और इधर आ गया आपका प्रॉफिट, दिस कम्स टू 2,12,000। समझ में आया? यस मैम।